हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पढ़ने वाले हैं और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करने के भी आपके दो तरीके होते हैं, उनको अपन देखते हैं। देखिए कौन कौन से। पहला आपका होता है एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। एग्रीगेट से मतलब पता लग रहा है, टोटल एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। और एक आपका है फैमिली बजट मेथड, फैमिली बजट मेथड। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं। तो अपन पहले एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड जो है उसको देखते हैं, इसके लिए क्वेश्चन करते हैं। तो एक क्वेश्चन सबसे पहले इसके लिए लेते हैं, ठीक है। क्या है देखें, क्वेश्चन ये है, आपको आर्टिकल्स दे रखे हैं ए से लेके जी तक, ए बी सी डी ई एफ और जी, ये आपको आर्टिकल्स जो हैं वो दे रखे हैं और इनकी प्राइस दे रखी है। प्राइसेस आपको 2 इयर्स में दे रखी है। प्राइसेस एक तो दे रखी है 1994 की और प्राइसेस एक दे रखी है 2009 की। दो प्राइसेस आपको दे रखी है इसमें अंदर, 10, 8, देन आपको दे रखा है 20, 32, 15, 12 एंड 8। 2009 की प्राइसेस आपको दे रखी है 15, 12, 24, 40, 20, 18 एंड 10। ये प्राइसेस आपको दे रखी है। फिर क्वांटिटी आपको दे रखी है 1994 की, कितनी, 15, 20, 10, 5, 6, 2, 1। ये आपका क्वेश्चन है। आपको इसको किससे करना है, आपको करना है इसको एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड से। तो एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड जो है ना, वो जस्ट लाइक लेस पेयर है। लेस पेयर का मतलब आपका वही P1Q0 और P0Q0, यानी प्राइसेस तो वही P1 और P0। क्वांटिटी जो लेनी है वो बेस ईयर की लेनी है, ऐसा एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड भी कहता है और ऐसा लेस पेयर का मेथड भी कहता है। तो अब हमें पता है ये प्राइस है 2009 की, ये है P1 और ये है 94 की, ये है P0 और क्वांटिटी तो 94 की दे ही रखी है, ये है Q0। तो P1 × Q0 यानी 15 × 15 दैट इज 225, 12 × 20 दैट इज 240, 24 × 10 240, 40 × 5 200, 20 × 6 120, 18 × 2 36, 10 × 1 10। इन सब का टोटल कर देंगे, सिग्मा P1Q0 इसका टोटल आपका आता है 1071, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है P0Q0, ये P0 और ये Q0, 10 × 15 दैट इज 150, 8 × 20 दैट इज 160, 20 × 10 दैट इज 200, 32 × 5 दैट इज 160, देन 90, देन 24 एंड देन 8। सिग्मा P0Q0 टोटल आपका आता है 792, सही है, 792। अब आप एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला लगाएंगे कि P01 कैसे कैलकुलेट होता है। फॉर्मूला वही लेस पेयर वाला, सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू 100। सिग्मा P1Q0 है 1071, सिग्मा P0Q0 है 792 इंटू 100।
इसका आपका आंसर आता है 135.22। सही है। तो ये अपन ने क्या कर लिया, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड और लेस पेयर एक ही बात है, दोनों का एक ही फॉर्मूला है, दोनों का एक ही प्रोसीजर है। तो नाम से घबराना मत कि एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड नाम आ गया तो घबराने की जरूरत नहीं है। सही है, आगे चलते हैं। अब इसी क्वेश्चन को अपन फैमिली बजट मेथड से जो है सॉल्व करेंगे, तो डेटा तो आपका पूरा का पूरा ये वाला ही आ जाएगा। सही है, तो डेटा तो आप पूरा का पूरा यही लिख लें। सही है, आगे चलते हैं। तो वो का वो क्वेश्चन अपन ने दोबारा लिख लिया है, अब अपन इसमें कैलकुलेशंस करते हैं। देखिए फैमिली बजट मेथड का फॉर्मूला वही होता है जो आपका पहले आपने प्राइस रिलेटिव में किया था, क्या P01 इक्वल्स टू सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W। तो अपन को पहले चाहिए R, सबसे पहले हमें चाहिए R यानी प्राइस रेटिंग, और प्राइस रेटिंग का फॉर्मूला होता है P1 अपॉन P0 इंटू 100। ये सिंपल सा फॉर्मूला पहले से यूज़ करते आ रहे हैं। तो प्राइस 2009 की तो हो गई P1, 1994 की हो गई P0, क्वांटिटी 1994 की हो गई Q0। अब हमें चाहिए P1 अपॉन P0 यानी प्राइस P1 अपॉन P0 यानी 15 अपॉन 10 इंटू 100, 15 अपॉन 10 इंटू 100 ये आ गया 150। देन 12 अपॉन 8 इंटू 100 दैट इज 150। देन 24 अपॉन 20 इंटू 100, 24 अपॉन 20 इंटू 100 दैट इज 120। देन 40 अपॉन 32 इंटू 100 दैट इज 125। देन 20 अपॉन 15 इंटू 100 दैट इज 133.33 अप्रोक्सली। देन 18 अपॉन 12 इंटू 100 दैट इज 150। देन 10 अपॉन 8 इंटू 100 दैट इज 125। ये अपने निकल गए R। अच्छा, एक अपन को चाहिए होगा W, और W आपको क्वेश्चन में दे नहीं रखा, तो मैंने आपको बताया P0 और Q0 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपका W जो है वो निकल सकता है। ठीक है, ये रहा P0 और ये रहा Q0। 10 इंटू 15 दैट इज 150, 8 इंटू 20 दैट इज 160, 20 इंटू 10 दैट इज 200, 32 इंटू 5 दैट इज 160, 15 इंटू 6 दैट इज 90, 12 इंटू 2 दैट इज 24, 8 इंटू 1 दैट इज 8। ये आपका आ गया W। इसका टोटल आप करेंगे तो सिग्मा W आ जाएगा, और सिग्मा W आपका आ रहा है 792। सही है। अब R आ गया, W आ गया, हमें RW चाहिए, तो R को W से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आ जाएगा RW। ठीक है, R 150, W 150 दैट इज 22,500, 150 इंटू 160 दैट इज 24,000, 120 इंटू 200 दैट इज 24,000, 125 इंटू 160 दैट इज 20,000, 133.33 इंटू 90 दैट इज 12,000 अप्रोक्सली, 150 इंटू 24 दैट इज 3,600, एंड 125 इंटू 8 दैट इज 1,000। इससे आप सिग्मा RW निकाल सकते हैं, ये आ रहा है 1,07,100। तो अब सिग्मा RW भी निकल गया, सिग्मा W भी निकल गया, सिग्मा RW आया है 107,100, सिग्मा W आपका आया है 792। इसको आप डिवाइड कर दें, ये आपका आंसर आपका आएगा 135
0.22। तो इस तरीके से ये अपन ने फैमिली बजट मेथड जो है वो अपन ने किया, उसी क्वेश्चन को अपन ने दोबारा जो है कर लिया। पहले जो हमारा आंसर आया था 135.22 था, जो अपन ने एग्रीगेटिव से किया था, अब हमने फैमिली बजट से किया तो हमारा 135.22 है। ये दोनों ही मेथड से आपका आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। प्रोसीजर भी वही पुराने वाले ही हैं, बस इनके नाम दूसरे हो गए हैं, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है वो आपको इसकी करनी पड़ेगी, सही है। तो ये था आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को भी अपन ने दो तरीके से किया, एक तो एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड जो कि लेस पेयर का सिनोनिम जैसा था, और एक आपका फैमिली बजट मेथड जो कि अपन ने पहले भी प्राइस रिलेटिव मेथड को इस तरीके से किया था। ओके, थैंक यू।